अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर शहना फूड। तो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे एक मज़ेदार सी चटपटी सी मुनैको चाट की रेसिपी, जिसे मैंने मुनैको बिस्किट के साथ बनाया था। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था और मैंने इसे किस तरीके से बनाया था। तो आइए इसके इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं और इसका तरीका भी देख लेते हैं। इसके लिए ले लिया था मैंने 3 से 4 आलू, इसे बॉयल कर लिया था। इसे हम चम्मच की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसके पीसेस कर लेना है, छोटे छोटे एकदम मैश कर लेना है इसे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज़ का टमाटर और हरी धनिया। तीनों चीज़ इसमें हम डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर दिया था मैंने चाट मसाला 1/2 टीस्पून के करीब। ये हरी चटनी है, हरी मिर्च, धनिया, मिर्ची, लहसुन की चटनी है नॉर्मल, इसे मैंने बनाया था, वो ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है, ये तैयार हो चुका है। ले लिया था मैंने मुनैको बिस्किट। देखिए इसे मैं एक एक करके लगा दूंगी ट्रे में। देखिए इसे मैंने लगा दिया है। अब जो हमने मिक्स तैयार किए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे पे सारा ये मिक्स डाल देंगे जो हमने तैयार किए थे। इस पर ऐड कर देंगे हरी चटनी ऊपर से अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए सब पे मैंने ऐड कर दिया हरी चटनी को, ऊपर से सेव ऐड कर देंगे बारीक। देखिए सारे पे मैंने सेव डाल दिया अच्छे तरीके से। अभी अमूल का चीज़ क्यूब है, ये ऊपर से ग्रेट करके डाल देंगे, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इस तरीके से सारे पे डाल देंगे हम। देखिए मैंने डाल दिया ये। अब मैं इसे वेफर से गार्निश कर दूंगी, आलू का वेफर जो होता है, चिप्स आलू का, साइडों पे लगा दिया था मैंने। बहुत ही मज़े का बना था ये, बहुत ही टेस्टी था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। देखिए रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।